नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम अपने YouTube चैनल में। देखिए, आपको बताते चलें, जैसे आपने थंबनेल के माध्यम से देखा, पोंडोकर धाम सरकार का दिव्य दरबार सही चल रहा है क्या? बागेश्वर धाम सरकार के धाम के बाल्य गुरु जी का दिव्य दरबार सही चल रहा है क्या? अनेक प्रकार के जो पर्चा बना रहे हैं, जैसे बागेश्वर धाम सरकार के भाई भी ले लो, आचार्य दिनेश गर्ग शास्त्री जी या कुटी सरकार महाराज या ब्रह्मेश्वर धाम सरकार, आजकल के बाबा बहुत सारे हो रहे हैं, किनका पर्चा सच निकलता है, किसके दिव्य दरबार में ज़्यादा जनता आ रही है? तो मित्रों, आप लोग बने रहिए हमारे YouTube चैनल के माध्यम से। आप लोग भी बड़े ही जिंदगी के सताए हुए हो, ऊपर वाले के सताए हुए हो, कभी हम लोग इस दरबार में भटक रहे हैं, कभी हम उस दरबार में भटक रहे हैं, कभी उस दरबार में जाते हैं, कभी हम इस दरबार में जाते हैं, मगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। मैं आपको बताता चलूं मित्रों कि हमारी समस्या का कभी समाधान होगा भी नहीं, क्योंकि हमेशा जीवन में एक कीड़ा निकला ना डाल का तो दूसरे डाल में कीड़ा लग जाता है, उसको निकलवाओ तो हमारे जीवन की जो समस्या हैं, हमारे जीवन की जो प्रॉब्लम है वो हमेशा चलती रहेंगी। हम जब तक हमारे शरीर में सांस है, जब तक हमें किसी प्रकार का आराम नहीं मिलेगा और हमारे जीवन की समस्याएं एक न एक रहेंगी। किसी के जीवन में ज़्यादा तकलीफ आती है, किसी के जीवन में कम तकलीफ आती है, मगर हमें तकलीफों का सामना डट के करना चाहिए। अगर हम डट के सामना करेंगे तो जो कठिनाइयाँ आती हैं वो डर के मारे हट जाती हैं, और हम डर के उन कठिनाइयों का सामना करते हैं तो जो कठिनाई आती है ना, तो वो और आती रहती हैं और आती रहती हैं। तो हमेशा याद रखें, कभी भी अपने आप को कमज़ोर ना समझें, दिव्य दरबारों में भटकें। आप भटको, अपने समस्याओं का समाधान लीजिए, मैं आपसे ये नहीं कहता, मगर आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ मैं किसका दिव्य दरबार आपको अच्छा लगता है, किसका पर्चा अच्छा लगता है, दिनेश गर्ग महाराज जी का या पोंडोकर धाम सरकार का या कुटी सरकार का या ब्रह्मेश्वर धाम सरकार का या हमारे बागेश्वर धाम सरकार महाराज जी का। आप किसके दिव्य दरबार में ज़्यादा जुड़े हो, किसके दिव्य दरबार से मानते हो और किनका पर्चा सच निकलता है? मित्रों, ये वीडियो के माध्यम से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, अगर हमारी बातों से कुछ मोटिवेशन मिला हो तो ज़रूर अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को सतर्क बनाएं। और बताते चलो, ये वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, नहीं करा तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।